सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 12:15 बजे से। तो हर रोज की तरह तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घर पर कुशल मंगल होंगे। और यहाँ पर देखिए भाई, पीछे नाम बताओ फटाफट, पहले पहले अपने। सौरभ शर्मा। और पीछे वाले का? यश। क्या लगती हूँ मैं आपकी? बुआ। बुआ किधर आ जाओ। तो ये बहुत शरारती बच्चे हैं खासकर ये जो है ना, बड़ा शरारती है ये। इसको ना उल्टे काम बताता है ये तेरे को उल्टे काम। कल क्या बोल रहा था ये तेरे को? क्या कल क्या बोल रहा था तेरे को दाऊ? कुछ नहीं बोल रहा। नहीं बोल तो रहा था कुछ। बोले अगर मैं तेरे को बोलूंगा बोले अपने घर को कुछ कर दे। क्या बोल रहा था? कौन इसकी बातों में माता? अपने आप के बारे में बता, क्या बोल रहा था? देख तेरे कान में बोल रहा है ये कुछ। मैं बोला कैमरा अच्छा। कैमरा अच्छा है भाई? झूठ बोल रहा है। ओ ये तो गंदी बात होती है। वो कहाँ है हनी भैया? कहाँ है हनी भैया? पता नहीं कहाँ है। चलेगा? अच्छा ऐसा बताओ, जब मैं घर जाऊंगी मेरे साथ कौन कौन चलेगा? मैं जाऊंगा। आप भी दोनों? वो कहाँ है दीदू? हर्षना क्यों कर ले, बना ले ब्लॉग। नहीं पकड़ना नहीं। ओ देखो उधर जिम्मी भौंक रही है, कोई आया है। जिम्मी और लूसी की एक खास बात है, अगर कोई नया आता है हमारे गांव में तो पता लग जाता है, अलर्ट हो जाते हैं गांव वाले की कोई नया मेहमान आया है भाई। और होता है ऐसा है, तभी भौंक रही है। क्यों भौंक रही है? देखो आया है कोई उधर साइड, जाओ देख के लगा ले का इंटू लगा इससे। ये है जिम्मू, जिम्मू नाम है इसका। जिम्मू और लूसी कहाँ है वो दूसरी? जिम्मू कैसे सोई है मजे से? ये धूप सेकती है, छत पे भी आती है धूप। आती है? और वो कहाँ है छुटका चिंटू? ए है वो, डर लगता है तेरे को इससे है? लगता है हैंड वॉश नीचे करो जाके। ले जाऊं मैं इसको अपने घर, ले जाऊं। ये सूर्यांश नहीं, शौर्य नाम है इसका ना। एक तो भाई इनके नाम एक जैसे हैं, पता नहीं लगता है किसका नाम क्या है। इसका नाम है चिंटू। मैं ले जाऊं इसको अपने घर, मैं ले जाना। एक क्या खरा है ये? गंदा, हट गंदा, हट गंदा, हट गंदा। कैसे कर रहा है देख, हट गंदा, हट गंदा, हट गंदा। इसको नहीं मारूं? नहीं। क्यों? मैं ले जाऊंगी इसको अपने घर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी जी ने देखो भाई कितनी सारी भैंसे रखी हैं, एक छोटी उससे बड़ी उससे नहीं ये सबसे बड़ी भाई, और ये दूसरे नंबर वाली और ये तीसरे नंबर वाली भाई। देखिए तीन तीन रखी हैं, और ये जो है देखना है कैसे मारती है। देखो ये वाली नहीं मारती है। देखना इसको, देखना पक्षी। पानी पीना तूने? पीना पानी? और देखो मम्मा आएगा हाथ लेके ना, तो कैसे कर रही है इनको। ले ले जल्दी आई गए तुम्हें। ओ देखिए भाई घास लेके आ गए, और इधर देखिए भाई मम्मी जी की क्यारियां, क्या क्या बीजा है देखते हैं। तो लहसुन है, और ये है वो मूंगरे जो मैं बोल रही थी, एक दिन हमने बनाई थी मूंगरे की सब्जी। तो ये नीचे मूली होती है उसके ऊपर लगते हैं ये वाले मुंगरे।
जब अमूलियों को नहीं तोड़ते हैं तो उसके ऊपर ऐसे वाले फल लगते हैं, खाने में ये मिर्चीदार होते हैं थोड़े थोड़े। और इधर मिर्चों की कटिंग कर दी है, लेकिन देखिए भाई नई नई कोंपले आ रही हैं इनके ऊपर फिर से। और ये तो नींबू के पेड़ लगाए हैं इस साइड। चलिए आज आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं क्या क्या लगा है भाई इस साइड। और ये भी शायद नींबू ही है, बहुत ज़्यादा नींबू लगाए हैं इन्होंने। और ये है फूल, इसमें वाइट कलर के फूल लगते हैं। और इधर ये लकड़ियाँ रखी हैं भाई, वो जो आम के पेड़ काटे थे ना उनकी लकड़ियाँ है ये। और इस साइड कुछ बीजा भी है, पता नहीं क्या बीजा है इन्होंने। और ये देखिए भाई धनिया फूल आ गया इनमें, कितना सुंदर लग रहा है। और इधर अंकुर पड़ा है, ये जो है ये कलमी आम है भाई, दशहरी आम। और ये है भाई अखरोट का पेड़, लेकिन इसमें अभी अखरोट नहीं लगे हैं, नए वाले पत्ते आए हैं तो इसके बाद अब इनको अखरोट लगने स्टार्ट हो जाएंगे इस पेड़ पे। देखिए कितना बड़ा है, यहाँ से लेके नीचे से लेके ओ ऊपर तक है, बहुत बड़ा हो गया है। और ये तो भाई नेचुरल खाद बोलते हैं इसको, ये देखिए भैंस के गोबर की। और इसमें केंचुए डाले हैं तो इन्होंने देखिए किस तरह से बिल्कुल बारीक कर दिया है इस मैल को, जो कि ये क्यारियों के लिए बड़ी अच्छी होती है। ये देखिए अंशु सुना रहा है भाई नया गाना, क्या सुना फटाफट। हेलो चिंटू, चिंटू देखो कैसे देखता है भाई चिंटू, उठा लेता है तू उसको, उठा ना, का मजा कर दे। कैसे पकड़ा है हेलो हेलो करना सिखाओ इसको, हेलो हेलो ऐसे करो, हेलो ऐसे करो, टांग ही तोड़ देगा इसकी। नहीं छोड़े बैठ गया, स्टैंड बोलो स्टैंड, you can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no